What's up, people? Welcome to the channel, everyone. This is Sahil, Veer, and the word today we are going to discuss about is atavism. So, atavism ka definition hai, the reoccurrence of a trait of an ancestor in a subsequent generation. So, iska matlab kya? Iska matlab hai ki, agar koi bachcha kisi ancestor ke trait ke saath paida ho jata hai, किसी एंसिस्टर के फीचर के साथ पैदा हो जाता है तो उसे एटाविज्म किया जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसको टेल है, समझो टेल है कि नहीं, इंटरेस्टिंग है ना, तो टेल के साथ. या फिर कोई कोई लोगों के एकदम कैनाइन वाले दांत एकदम बहुत बड़े हो जाते हैं, मतलब अलग लेवल, मतलब वो पहले के अपने एंसिस्टर से ना एकदम सेम वैसा, ठीक है, या वैसा हो सकता है, या फिर पूरे बॉडी पे हेयर आ सकता है. सो आपको पता है ये सेम कॉन्सेप्ट ना ड्रैगन बॉल में यूज किया है. देखो, गोकू, वेजिटा, ये लोगों को पहले टेल होता है, लोग बच्चे रहते जब भी, आपने देखा, ये तो पक्का देखा रहेगा. ड्रैगन बॉल से कौन नहीं देखता इधर, तो ड्रैगन बॉल में सब उसको लोग को टेल रहता है. तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा ही मन का नहीं उठाया लोग ने, मतलब वो है, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट सही में एग्जिस्ट करता है, उसके लिए वैसा कॉन्सेप्ट लिए, मतलब हर कॉन्सेप्ट के पीछे एक रीजन होता है, समझ रहे. सो दैट्स इट गाइज, एंड द क्वेश्चन फॉर यू गाइज इज, हाउ मच वाटर कैन अ कैमल होल्ड इन इट्स हम्प. सो दैट्स इट गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, पीस आउट.